भाई बात मौसम की करें तो तेज धूप है और 29 सेंटीग्रेड जो ना आज टेम्परेचर है और उसके अलावा हवा भी चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा हवा नहीं है, बहुत ही कम हवा है। आज लोग चहल पहल के लिए बाहर निकले क्योंकि कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई है, तो लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला है। यहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती है, सिर्फ 1.5 महीने 2 महीने के लिए गर्मी होती है, बाकी पूरा साल जो ना वो सर्दियाँ होती है, बरसात चलती रहती है। बस यही 1.5 2 महीने होते हैं जिसमे गर्मी होती है, तो इसमें लोग खूब इंजॉय करते हैं, अपने गर्मियों के कपड़े निकालते हैं, बाहर आउटिंग पे जाते हैं, सन बात लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तो हर कोई मजे से देखेगा। कुछ लोग तफरी के लिए वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग मालूमात के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मेरी वीडियोस में बहुत सारी मालूमात होती है। अगर आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इसमें आप ही का फायदा है। आपको लंदन के हवाले से वो मालूमात मिलेगी जो टीवी पे आपने कभी देखी ना सुनी होगी। और हाँ, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी होंगी तो हर कोई जाहिर सी बात है सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर खुद ही सब्सक्राइब करें। हाँ, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यहाँ पे इस तरह की व्हीकल बहुत यूज़ होती है, खासतौर पर बड़ी उम्र के लोग इस तरह की व्हीकल यूज़ करते हैं। अब इस व्हीकल का फायदा ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक होती है और इसका लाइसेंस भी दरकार नहीं होता है। बाजार में ले जाएं या पार्क में ले जाएं या पेडेस्ट्रियन जोन में भी ले जाएं तो इसको चलाने के लिए कोई खास लाइसेंस वगैरह या परमिशन की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों पार्सल डिलीवरी का काम यहाँ पे बहुत होता है। ये देखिए यहाँ, ये सामने आपको DHL की गाड़ी नजर आ रही है जो पार्सल डिलीवर करती है, और अगर हम इस तरफ देखें तो वो देखें सामने, अब ये सामने आपको नजर आ रही है Amazon की गाड़ी खड़ी हुई है पार्सल डिलीवर करने के लिए। डिलीवरी का काम यहाँ पे बहुत होता है। अब यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये डिलीवरी की हैं। अब मुख्तलिफ डिलीवरी, जैसे आगे खड़ी है ये सी फूड डिलीवर करती है, पीछे जो खड़ी है वो पार्सल डिलीवर करती है, और उससे पीछे जो खड़ी है वो जो चीज़ें होती हैं घर में अप्लाइंसेज होते हैं वो डिलीवर करती है, और येलो जो जा रही है वो पार्सल डिलीवर। दोस्तों अभी देखें लाइटें जल रही हैं हर तरफ, और ऊपर देखें बिल्कुल दिन निकला हुआ है। पता है टाइम क्या हो रहा है अभी? अभी टाइम हो रहा है 9:21 हो रहे हैं, लेकिन ये देखें लाइटें भी जली हुई हैं और ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकला हुआ है, और ये 9:21 जो है वो रात के। तो जनाब हम बना रहे हैं सरदई, जिसको सिंधी में थादल बोलते हैं, तो लंदन में थादल बनाई जा रही है। अब ये बैकग्राउंड में आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही है, तो भाई ये अहमद और राबिया सिस्टर की ना वीडियो चल रही है हमारे घर पे अभी ना, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। मज़ा आ गया नहा के, बना तो रहा है लेकिन बना आज। तो जनाब ये हमारी थादल, जिसको सिंधी में थादल बोलते हैं और पंजाबी में आई थिंक इसको ना सरदई कहते हैं। तो ये अलहमदुलिल्लाह रेडी हो गई है।